तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि उनको ऐसी छोटी छोटी चीजें काफी पसंद होती है। हाँ, एल्डर भी उनको देखते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी देखने लगता हूँ ऐसी चीजों को, वो मैटर नहीं करता। तो जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एक मिनी प्रोजेक्ट किट है, जो कि हमें मार्केट में मिली थी, तो वहां से मैंने सोचा इसको खरीद लिया जाए और इसको सभी को दिखाया जाए, क्योंकि मुझे बेसिकली ऐसी चीजें काफी पसंद होती हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको खरीदा। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रोजेक्ट किट में मुझे क्या क्या मिला है और कितने रुपए की ये पड़ी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें मिला क्या क्या है। सबसे पहले तो एक बैटरी है, मेरे हिसाब से 9 वोल्ट की होती होगी, ये 9 वोल्ट ऐसी कुछ होती होगी, इस पर लिखा तो नहीं है परंतु ये लोकल, हाँ 9 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 9 वोल्ट, आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि आगे से लाइट काफ़ी तेज है और नज़दीक से करते हैं तब भी नहीं दिखाई देगा, पर आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल 9 वोल्ट की है, इसमें लिखा हुआ है और इसका मॉडल फॉडल भी कुछ लिखा हुआ है, बैटरी फोर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको आप अगर लेते हो तब पढ़ लेना, उससे पहले पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया काफ़ी है। और उसके बाद है हमारे पास एक कनेक्टर जो कि इस बैटरी के ऊपर लगेगा, इनको मैं साइड में रख के उसके बाद एक एक का रिव्यू कराता हूँ आपको, रिव्यू बोल लो इसको। तो ये बैटरी है, ये इसका कनेक्टर है, ये इसके ऊपर लग जाएगा इस तरह से, जैसे हमें इससे पावर चाहिए होगी तो इससे ऊपर लग के हमें यहाँ पर पावर दे देगा। और उसके बाद एक और बड़ी प्यारी चीज़ है, वो है इसकी LED बल्ब। ये LED बल्ब भी इसी के साथ मुझे मिला था। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास है वो है इसका बटन, जो कि आपके प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करने के लिए, पावर सप्लाई को बंद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन यूज होगा इसका। तो इस वजह से एक है ये बटन इसका, और ये लगभग 1 2 3 4 कंपोनेंट तो इसके ये हो गए, और उसके बाद अभी भी बहुत कुछ है। और वहीं पे हमें यहाँ पे एक मोटर भी मिली है, ये मोटर है जो कि मेरे हिसाब से 9 वोल्ट पे ही वर्क करती होगी, क्योंकि जब इस किट के साथ ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट पे ही वर्क करने वाली हमारे पास मोटर होगी। क्योंकि जब बचपन में क्या होता है, जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं काफ़ी अट्रैक्टिव करती हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ले लिया जाए और एक वीडियो बच्चों के लिए भी अपने चैनल पर डाल दी जाए। और उसके बाद जो सबसे लास्ट एंड फाइनल चीज़ है हमारे पास वो है यहाँ पे एक फ़ैन। ये पंखड़ी है मोस्टली, और इसको अगर मोटर में लगा दिया जाए तो ये फैन बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट किट से जो जो हम इन्हीं कंपोनेंट के साथ कर सकते हैं उसको यहाँ पे करके देखेंगे, और बाकी अगर इससे और भी कोई एक्सट्रीम चीज़ हम बना पाए तो वो आगे आपको चैनल पे वीडियो इसका मिल जाएगा। तो इसी वजह से जो नए देखने वाले हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स और सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फैन की पंखड़ी है इसको ही लगा दिया मैंने। अगर हमें प्रॉपर फैन बनाना है तो हमें सबसे पहले एक स्टैंड बनाना होगा, स्टैंड के ऊपर बैटरी को लगाना होगा और बैटरी के ऊपर इस कनेक्टर को लगाना होगा, और कनेक्टर के बीच में लगाना पड़ेगा हमें अपना पावर का स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए है, और उसके बाद इस मोटर को कनेक्ट करना होगा। परंतु दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट इनको इनका वर्क करा के देख लेंगे वर्क करते हैं या नहीं। तो ये मेरे हाथ में बैटरी है और इसको इस तरह से लगा दूंगा मैं, और ये देखो फैन चल गया और काफ़ी हवा भी दे रहा है। वैसे तो आपको नहीं दिखाई देगा परंतु अगर आप मेरा विश्वास कर सकते हो तो ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर्किंग हो गई मोटर के साथ फैन वाला अटैचमेंट लगा के फैन बनाने की। तो मोटर के साथ तो हम केवल यही कर सकते हैं क्योंकि इसमें पंखड़ी है, पंखड़ी को मोटर से कनेक्ट करना है और उसके बाद कनेक्टर वगैरह लगा के इसका बहुत कुछ कर दिया। वैसे आपको बता दूं ये जो मोटर है ये सेल से भी चल जाती है, जो आपका सेल होता है। अब उसके बाद आती है दूसरी चीज, इसी किट के साथ हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इस किट के साथ कर सकते हैं, ये हमारे पास एक बल्ब है और इसको इस तरह से लगाकर इसकी लाइट भी बना सकते हैं। एक बार मैं ये जो लाइट जली हुई है आपकी उसकी बंद करके और जब इसको दिखाऊंगा तो ये एक छोटी सी सेफ्टी लाइट आपकी तैयार हो गई है, आप कहीं पर भी देखोगे। एक बार मैं इसको बंद कर दूं फिर आपको दिखाई देगा ये कितना वर्क कर रही है। तो ये भी एक अलग से चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपको मेरा चेहरा बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफ़ी तेज जलती है, ऐसा नहीं है कि ये जलती नहीं है। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई जो हम इसके साथ कर सकते हैं।
और मेरे हिसाब से ये दो ही चीज हम इसके साथ कर सकते हैं। बाकी और ज्यादा करने के लिए हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। और इसमें आपको बता दूं, अगर ऐसी कोई किट वगैरह लेते हो, ऐसी कोई एलईडी वगैरह लेते हो, तो उनमें एक चीज और होती है, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, परंतु आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो ये छोटी वाली टांग है इसकी और एक बड़ी वाली है। तो जो बड़ी वाली होती है वो प्लस की होती है और छोटी वाली माइनस की होती है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इसमें लिखा हुआ माइनस और ये लिखा हुआ प्लस। अगर मैं माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से टच करूंगा तो तभी जलेगा ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ये इधर साइड का प्लस है, इधर साइड का माइनस है, तो बड़े वाला प्लस से और वो वाला माइनस से, तो तभी जलेगा। अगर मैं इसको उल्टा कनेक्ट कर दूं तो ये नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इधर प्लस है, इधर माइनस है, और इसका प्लस वाला इधर है और माइनस वाला इधर है। तो हमने इस बार उल्टा किया है, उल्टा करने के बाद हमने इसको टच किया, परंतु ये नहीं जल रहा। और जैसे ही बैटरी को टर्न करके इसको टच करते हैं तो ये जलने लगता है। तो इसे प्रूफ होता है कि इसमें भी प्लस माइनस होता है, क्योंकि जो डीसी करंट होता है उसका प्लस माइनस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्लस माइनस से ही चीज़ें वर्क करती हैं। और इसमें आपको ये चीज़ मोटर में भी करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे ही आप इसको लगाते हो, अगर आप प्लस माइनस की डायरेक्शन चेंज करते हो, तो इसका ये जो प्लस माइनस है अब ये ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये जो रोटेशन है उसको चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। मेरे हिसाब से इसकी बैटरी काफी कम हो गई, क्योंकि काफी देर से हम इनसे खेल रहे, तो इस वजह से इसने वर्क नहीं किया। परंतु आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी बैटरी का कनेक्शन किसी मोटर वगैरह में देते हैं, तो अगर हम उसके टर्मिनल को चेंज कर देंगे, प्लस और माइनस को चेंज कर देंगे, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट का फ्लो इसमें प्लस टू माइनस ऐसे होता है, जिसे माइनस जो है उससे मतलब प्लस से जाएगा माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरह से होता है। तो अगर उसको चेंज कर दिया जाता है तो जो भी उपकरण इससे कनेक्ट होता है उसकी जो वर्किंग है वो बदल जाती है। तो इसी वजह से जो एलईडी है वो चलती नहीं है और मोटर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भैया तू या यही बजा ले, तो जो दिख वीडियो चल रही है धर दे धर। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसे, तो दोस्तों ये थे आज के कंपोनेंट जो कि हमें एक प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट किट के साथ मिले थे। ये मेरे को मिले और मुझे लगा कि इनको एक बार लेकर आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही कनों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।